नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी एस जीनियस अकेडमी में। दोस्तों, इस समय हम अरिहंत कॉलेज में और कुछ ही देर बाद एग्ज़ाम छूटने वाला है। आज आपको पता लगेगा कि जिस चीज़ की आप तैयारी करने वाले हो उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल कठिन हो चुका है या सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, या जो आप पढ़ रहे हो वो सारी की सारी जानकारी थोड़ी देर में आपके पास पहुँचने वाली है। तो इंतज़ार कीजिए एग्ज़ाम छूटने का। दोस्तों, इस समय पेपर छूट चुका है। अब हम देखने वाले हैं कि किसके कैसे क्या नंबर आए, कैसा पेपर में सिलेबस आ रहा है। चलिए, तो अब हम जानना चाहेंगे किसी एक से, आपका नाम क्या है? सचिन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, सचिन जी, क्या आप हमारे जो भी चैनल पर जुड़े हुए हैं लोग उन्हें बताना चाहोगे कि कहाँ से टॉपिक की तैयारी की जाए? टॉपिक की तैयारी तो कुछ नहीं है, बस जो है जो अपना बेसिक पढ़ते जाएँ अपन, और जो बेसिक मैथ से हैं स्टार्टिंग में अर्थमेटिक पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। एमपी जीके के अंदर ऐसे हिस्ट्री से पूछ रहा है वो अधिकतर क्वेश्चन, और बस। सर, नंबर कितने आए आपके? 67। तो इससे पहले भी आपने दिया था, तो उसमें कैसा क्या रहा था आपका? 67 नंबर ही आए थे। तो उसमें हो गया था आपका? उसमें हो गया था। तो कहीं ना कहीं फिजिकल में दिक्कत आ गई हो? टाइम में जैसे फिजिकल के बाद में जो कट ऑफ लिस्ट लगी थी दोबारा, उसमें मैं बाहर हो गया था। आपका नाम क्या है? चंदोचा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैम, कैसा क्या पेपर आ रहा है? सर, पेपर तो अच्छा आ रहा है लेकिन मैंने तैयारी नहीं की थी। अच्छा, तैयारी नहीं कर पाए थे आप। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान जी से पूछेंगे हम। तो मुस्कान जी, आप कहाँ से हो? मैं टिमंडी हरदा से हूँ। हरदा से पेपर देने आ रहे हैं, तो आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्या जैसा पेपर आप चाहते थे वैसा आया? हाँ ठीक है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ आ रही है। अगर कैलकुलेशन में लगते हैं तो फिर अपनी आगे का पेपर छूट सकता है। क्या है? चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्त, अभी आप एग्जाम देकर आए हो, तो कैसा क्या एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, कैसा क्या सिलेबस जो शुरू में आ रहा था वही आ रहा है? नहीं सर, थोड़ा टफ पेपर था, थोड़ा पर रीजनिंग वगैरह ना बहुत सरल आ रही है, सामान्य ज्ञान बहुत सरल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। मतलब रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है कि पेपर कठिन आ रहा है? थोड़ा टफ आ रहा है पेपर। अच्छा, पेपर टफ आ रहा है। कैसे क्या नंबर आपके, कितने नंबर आए? 58 नंबर है। 58 नंबर आए। दो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्त, मैम आपका नाम क्या है? धनबाई मोरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, कैसा लेवल आ रहा है आज? कमी सभी के कमी नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताना चाहोगे पेपर कठिन था या सरल? कठिन था। तो मतलब क्या क्या कठिन आया, मैथ रीजनिंग या साइंस या जीके? जी उम्मीद सर। तो सर, आपका नाम क्या है? मनोज नागदिया। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कहीं ना कहीं पेपर में आज ऐसा लग रहा है कि कम नंबर आ रहे हैं, तो आप बताना चाहोगे कि कैसा क्या पेपर का लेवल था? उसमें क्या है कि जो मैथ है कैलकुलेटिव आ रहा है, तो उसमें एलजेब्रा से आ रहे 3 क्वेश्चन आए थे, तो आयुष आए थे 2 क्वेश्चन। ओके, फिर अपना सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6, और रीजनिंग में कैसा क्या आ रहा है? रीजनिंग में अपना जो इनइक्वालिटी वाला है 3 क्वेश्चन आए थे, असमानता वाला, और उसमें आयु से आया था, उसमें आयु का डिफरेंट बताना था, और उसमें एक आया था माता के आयु, पिता की आयु और पुत्र की आयु, फादर की आयु, तीनों की आयु दे दी थी 27 वर्ष, उसका 3 गुना करके उसको निकालना था, उसमें कोई वो नहीं था। और एक क्वेश्चन आया था अपना प्राकृतिक का जो। और साइंस में कैसा क्या आ रहा है? साइंस नॉर्मल आ रहा, अगर बनते हैं तो हो जाएगा, मेरा तो हो गया था। कितने क्या नंबर है आपके? 66 नंबर है। 66 नंबर है। दोस्त, आपका भी इस बार पक्का रनिंग में बुलाएगा, क्या कैटेगरी? बता नहीं सकता अभी, बुलाएगा। नहीं, कैटेगरी एससी। अरे एससी में तो पक्का है आपका। सर, आप भी पेपर दे के आ रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा उपेंद्र सिंह परियार। उपेंद्र जी, आप बताइए थोड़ा सा आज पेपर में इनके सर। तो वैसे रीजनिंग सबसे ज्यादा थी। अच्छा। और मैथ है का ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, मतलब हाँ जो पढ़ने वाला बंदा है वो निकाल देगा पट्टा। अच्छा, इतना ज्यादा टफ नहीं लगा आपको? कितने नंबर आए सर आपके? 66 आए। 66, 67 और 69 नंबर वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका नाम क्या है? दुर्गा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, अभी आप पेपर देकर आए, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? मेरा बहुत इजी था लेवल, तो मुझे इजी लगा था। अच्छा, इजी लगा आपको, तो कितने नंबर आए? अभी ये नंबर मैंने देखे नहीं। अच्छा, नंबर नहीं बताना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। ऋषि ठाकुर। उर्वशी जी से दोस्त बात करते हैं। मैम, कैसा क्या पेपर का लेवल आ रहा है? बहुत लोगों के कम नंबर आ रहे हैं, तो कहाँ से कैसा क्या पेपर है? सर, पेपर का लेवल तो नॉर्मल ही था, जैसे एमपी जीके से पढ़ ले या नॉर्मल यूसेंट से कर ले तो भी कवर अप हो जाता, और पर्टिकुलर अगर बात करें तो 10th बेस के लेवल के ही क्वेश्चन थे। ओके, मतलब 10th बेस, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आ रहा है, तो लोग बता रहे हैं कि नंबर कम आ रहे हैं। आपके कितने नंबर हैं मैम?
सर मेरे 62 नंबर है। 62 नंबर है, कैटेगरी जनरल, जनरल से है 62। चलिए दोस्तों, अब हमने इतना देखा पेपर में, सभी से हमने रिव्यू लिया, अब हमारे एक्सपर्ट से हम जानना चाहेंगे, सर आज आप बात करके किस प्रकार से आपने देखा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कैसा आ रहा है आप बताइए थोड़ा। सर मैंने बच्चों से बात की है, रिव्यू लिया है, तो बच्चों का कहना है कि पेपर डे बाई डे लेंदी होता जा रहा है। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की। आप मैथ की जो बेसिक है, सिंप्लीफिकेशन है, टेबल है, आप उस पर ध्यान दीजिए। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष है तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम बचेगा आपका। तो सर ये आप इतनी चीज़ों को कर सकते हैं, और कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल का आज? सर आज जनरल का कट ऑफ जाएगा 70-71 तक जाएगा, क्योंकि 70 से कम तो नहीं आएगा सर। दोस्तों हमारे एक्सपर्ट ने बताया, अभी हमने सारा का सारा एनालिसिस किया है, 2-3 कॉलेज भी घूमकर आते हैं सुबह से, तो याद रखना 70 आज अभी हमने सबके देखे हैं, किसी के 30, 40, 50, तो 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, और 2-3 नंबर का मार्जिन लेकर आप OBC में चल सकते हैं, और ST SC वाले 5-6 नंबर का मार्जिन लेकर चल सकते हैं। ST SC में आते हैं तो 65-66 तक आपका हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा कट ऑफ एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। तो दोस्तों आपने देखा आज के पूरे पेपर का, आपने कट ऑफ देख लिया, एनालिसिस देखा, अब आपकी तैयारी आपके हाथों में, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते जाइए, बाकी पेपर सरल आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। चलिए दोस्तों, तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।